यार सुबह सुबह मस्त उठा हूँ और क्या मौसम हो रहा है यार, एकदम गोवा वाला हो रहा है। कितना सुंदर मौसम है यार। यार बारिश मस्त हो रही है, हवा बस थोड़ी कम हो जाए तो मज़ा आ जाए, बरस जाएगा बच्चे से। कितना मस्त मौसम हो रहा है सुबह सुबह यार, रोज़ ऐसा मौसम होता है कितना मज़ा आया, एकदम हिमालय जैसा लगे। देखो भाई, गाड़ी धुलवाने की बात कर रहा था ना मैं, और आज सुबह इतनी तेज़ बारिश हुई तो गाड़ी एकदम पूरी वॉश हो गई, एकदम कंप्लीट हो गई। देखा, बच गए ना पैसे। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा भाई, कल लेके गया था बागेश्वर धाम, कितना मज़ा आया ना, इतना प्यारा भाई साहब, इतना क्या एक्सपीरियंस था भाई, अनमैचेबल। कोई टेस्ट ऑफ बड़ौदा और ये कहते हैं बड़े ही कॉन्सर्ट हो जाए ना, वो ऐसा फील नहीं दे सकते भाई जैसा ये आज हम लोगों को कल मिला है, ज़बरदस्त। और भाई सबको जाना चाहिए, बाकी तो सब बढ़िया है। अगर आपको यकीन हो चाहे ना हो, बागेश्वर क्या है, बागेश्वर जो है वो हमारे हनुमान जी का नाम है। बागेश्वर धाम जैसे कि हम लोग पूजा करते हैं मेहंदीपुर बालाजी की, वैसे सहारनपुर बालाजी की, तो ऐसे ही बागेश्वर धाम में बालाजी हैं जो हनुमान जी का रूप है उनकी, और धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो पुजारी हैं वहाँ के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर उनको नहीं मानते आप तो, लेकिन जो बागेश्वर बाबा हैं हमारे, जो हनुमान जी हमारे, उनको तो मानते ही हो ना भाई, तो उनको तो मानना ही चाहिए आपको, ठीक है। बाकी तो काम वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है, सभी हिंदुओं को एक साथ लेके आ रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि अगर हिंदू हिंदू को सपोर्ट नहीं करेगा तो भाई किसको करेगा, है ना। तो ये चीज़ है, तो हम लोग इसके सपोर्ट में हैं। बाकी तो अपनी गाड़ी लेके अभी चल रहे हैं डी मार्ट में, थोड़ा सामान वगैरह लेना है, तो सामान वगैरह लेके आते हैं। मेरी चप्पली भी ख़राब हो गई तो चप्पली भी आज नहीं ले लेते हैं भाई। डी मार्ट आ गए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी तो यहाँ पे। एक्चुअली गाड़ी मैंने कहा बाहर खड़ी कर दी है, तो वैसे ही यहाँ पर तो इतनी भीड़ है, बाहर भी लाइन लगी है कार की, और लाइन लगेगी बिलिंग काउंटर पे। नहीं नहीं ज़्यादा नहीं लगेगी, थोड़ा ही सामान ना, 10 से कम में तो हो ही जाएगा अपना काम, बाकी तो ठीक है भाई। डी मार्ट की लिफ्ट में हम लोग यहाँ पर अभी सामान वगैरह सब ले लिया है, यहाँ पे वैसे इधर उधर दौड़ रही है। कल क्या कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी लिफ्ट में फंस गए थे पता, ओवरलोड की वजह से, जहाँ पर रुके थे सूर्य पैलेस में। चलो लक्ष्मी नारायण जी, यहाँ पर शर्ट वगैरह भी है और थोड़ा सामान भी है, तो वो चेकआउट कर लेते हैं और इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। शर्टें हैं यार मेरे को ना, वो वैसी आती है ना लाइक्रा कपड़े में, मैं वैसी शर्ट चाहिए मेरे को, कॉटन में यार बहुत दिक्कत होती है भाई, देख ना रूखी दूखी हो जाती है। हाँ लाइक्रा एकदम प्लेन रहता, प्रेस वेस करने की जरूरत नहीं। तो भाई ये क्रॉप पसंद आए, कैसे लग रहे हैं लेकिन बरसात के लिए बढ़िया है, स्लीपर से ना ये ज्यादा सही लगती है, कहीं पे नॉर्मल चप्पल पहन के अगर बेटर है ना। ये ले ले वो वाले, देखो नीचे ग्रे है ना, वो देख कौन से, उसके नीचे डार्क ग्रे ये ना, उसके बाजू में, हाँ वो ज्यादा बेटर लगेंगे मेरे हिसाब से। बराबर ही है, पहन के तो देख, पहन तो सही, हाँ ये अच्छे नहीं है ना पीछे इधर, ये तो उसमें भी है, नहीं है इसमें इतना बड़ा नहीं है, छोटा है लेकिन। देखो अगर ये लेना है तो ये ले ले, मेरे को अभी कुछ नहीं लेना, चलेगा तो ये ले ले। मैं गरीब हूँ, गरीब तो मैं भी हूँ यार, तो यहाँ लगा देता हूँ मैं। क्रॉक्स ले लेगा ये, क्रॉक्स अभी मैं क्रॉकरोच बन जाऊँगा इसके अंदर। लो सर शर्ट लेनी ना, और वो लोअर लेना है, लो आपका फोन। चश्मा है ना लगाता हूँ इधर, अंधेरा अंधेरा लगता है, ज़्यादा रोशनी लगता है। ठीक है, माइलेज को क्या हो गया भाई, कल तो इतना पेट्रोल लाया था, ज्यादा दूर गए भी नहीं, लगता शायद टेढ़ी खड़ी है ना गाड़ी इसकी वजह से ऐसा दिखा रहा है, बट कोई नहीं। चलो अभी चलते सामान ले लिया, मैं गाड़ी है ना वहाँ तक लेके जानी पड़ेगी, ताकि सामान गाड़ी के अंदर रखा है। बारिश हुई भाई सुबह सुबह थोड़ी बहुत, तो भी लेकिन उमस हो गई, तो थोड़ा सॉफ्टी खा लेते हैं, सामान वामान लेके पैक कर दिया, और ये मैंने क्रॉक्स ले लिए, बताना भाई कैसे लग रहे हैं। हमारे भाई ने क्रॉक्स ले लिए, ऊपर से मेरे पैर का नाखून और टूट गया है, तो उसकी वजह से लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। तो अभी सॉफ्टी खाते हैं, सॉफ्टी डेरी से एकदम मस्त थिक चॉकलेट वाली, मतलब मैंगो एंड वनीला वाली, मतलब एकदम थिक आती है ये क्रीम, बर्फ़ वाली क्रीम नहीं है ये, थिक वाली क्रीम है। भाई साहब क्या मस्त बादल वादल हो रहे हैं, बादल तो खैर नहीं हो रहे, बारिश बहुत हो रही है, बारिश तो खैर नहीं हो रही, हवा बहुत चल रही, पता नहीं यार क्या बोल रहा हूँ मैं। बाय द वे गाइस, मेरा भी डिवोर्स हो रहा है यार, क्या करूँ गाइस, थोड़ी सिंपैथी दे दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे सिंपैथी की यार, क्या करें यार, अभी क्या करें, अभी शादी दोबारा करनी पड़ेगी, फिर दोबारा डिवोर्स करना पड़ेगा, फिर दोबारा शादी करनी पड़ेगी, मतलब यार ऐसे चैनल चलाना पड़ेगा यार, क्या करें। तो वही ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई अपना तो कुछ नहीं हो रहा,
तो सोशल मीडिया है ना भाई, कोर्ट रूम बन गया है। कोर्ट रूम मतलब कि भाई क्या मतलब, यहाँ पर व्यूज़ के लिए शादी हो रही है, व्यूज़ के लिए डिवोर्स हो रहे हैं, व्यूज़ के लिए लड़ाई हो रही है, व्यूज़ के लिए झगड़े हो रहे हैं। मतलब कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ भी बना के डाल रहे हैं, जो कि डिस्कस्टिंग है यार। मतलब देखो यार, तुम्हारा है ना अपना खुद का मैटर है ना, तो है ना घर में बैठा के समझा लो। फिर तुम बोलते हो भाई पब्लिक तुम्हारे ऊपर कमेंट करती है, फिर बोलते भाई हमारे पर्सनल लाइफ पर कमेंट मत करो। अब तुमने पूरी लाइफ ही अपनी पब्लिक कर रखी है, तो पब्लिक तो बोलने का हक बनता ही है ना भाई। तुम्हारे पास शूट करना तुम्हारे पास में नहीं है कि भाई तुमने हाँ शूट कर लिया, गलती से ये भी शूट हो गया वो भी शूट हो गया, लेकिन एडिटिंग तो तुम्हारे हाथ में है ना भाई। जब एडिटिंग करते हो तो तुम्हारे को पता है कि तुम क्या भेज रहे हो, ठीक है, तुम क्या दिखाना चाहते हो, तुम किस लिए दिखाना चाहते हो। तो मतलब जो भी यूट्यूबर है भाई बना रहे, अगर पब्लिक को ऐसा लगता है यार ये तो गलती से शायद डाल दिया, बट ऐसा नहीं होता भाई। उनको भली बात ही पता है कि आप क्या बना रहे हो, क्या डाल रहे हो, क्या बोलना चाहते हो लोगों से, और क्या बुलवाना चाह रहे हो, और क्या चाहिए आपको। सिंपथी चाहिए, सिंपथी के लिए बना रहे हो, मतलब कॉन्ट्रोवर्सी चाहिए, ये सब चीज़ें चलो भाई मान लिया। क्या सीरियस मैटर है, सीरियस मैटर है तो घर के अंदर निपटाओ, कोर्ट जाओ, पुलिस के पास जाओ, बात करो, कोर्ट रूम में जाके निपटाओ। ये क्या मतलब यूट्यूब पे मतलब अलग ही मैटर चल रखा, पहले गाड़ियों का चला, शादियों का चला, फिर अभी डिवोर्स का चल रहा है, मतलब सीन समझ नहीं आ रहा। अब जानते हो भाई किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, आपको पता होगा स्नेहा सचदेवा के बारे में। अब पारस ठकराल और स्नेहा सचदेवा ने शादी की, उनका बेबी भी है एक। अब वो कितना सीरियस शादी हुई थी, कितना सीरियस उनका रिलेशनशिप था, उन्होंने वीडियो ऑडियो को रिकॉर्डिंग लीक हो रही है। मतलब कि अब एक बात बताओ, अब खुद की पर्सनल लाइफ है ना, मतलब आपको कब बोलो आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग कोई लीक कर दे रहा है, तो मतलब किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते आप। खुद की वाइफ पे, उसके हस्बैंड पे कोई ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आप फ्रेंड लोग के पास भी बैठे हो तो उन पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते भाई, कब कौन क्या लीक कर दे, क्या करना क्या नहीं कर दे। अब भाई एक कॉन्टेंट क्रिएशन का टाइम होता है, तो कॉन्टेंट बनाते हो, दिखाते हो लोगों को खुद की मर्जी से कि भाई ये दिखा दिया, हमें ये बताना है और चलेगा ये, तो इसके बारे में अगर बात करेंगे। लेकिन एक नॉर्मल पर्सनल लाइफ में बंदा एक नॉर्मल इंसान की तरह रहता है, नॉर्मल तरीके से बात करता है, नॉर्मल बिहेवियर एक अलग होता है। अब वो ही तुम बना बना के उसको एक्सपोज करने की तरफ सोचो कि भाई हाँ इसका ये देख नहीं रहा है, इसकी पर्सनल लाइफ चल रही है, इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ और मैं सोशल मीडिया पर फैला दूँगा, इसकी बेइज्जती कर दूँगा। तो मतलब आज के टाइम पर तो इस तरीके से किसी पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। मतलब मेरे को तो नहीं लगता भाई कि ये कुछ सीरियस है, ऐसे तो होते ही रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के होते रहते हैं। अभी तो हस्बैंड वाइफ का ट्रेंड चल रहा है कि हस्बैंड वाइफ डिवोर्स ले रहे हैं, और डिवोर्स भी ऐसे नहीं ले रहे हैं कि मतलब सीधा एक ने वीडियो बनाया फिर रिप्लाई वीडियो भी वो भी बना रहा है, रिप्लाई वीडियो फिर उसके ऊपर रिप्लाई वीडियो जा रही है, चैनल डिलीट हो जा रहा है, ये सब चीज़ें हो जा रही है। मतलब तो पागल आदमी हो गए क्या भाई, देश का है अभी तुम्हें प्रॉब्लम है, जाओ डोमेस्टिक कोर्ट जाओ, फैमिली कोर्ट जाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जाके बात कर सकते हो, वहाँ पर लॉयर हायर करो कम्प्लीट, है जो है एविडेंस रखो अपने पास, पब्लिक मत करो ना एविडेंस कि भाई तुम तो सीधा अगले बंदे को या फिर अगली बंदी को तुम एक्सपोज ही कर दे रहे हो। मतलब कि ऐसा दे दे रहे हो रिकॉर्डिंग से, कॉल रिकॉर्डिंग से गिल्टी साबित हो रहा है तो हो जाएगा, चाहे भले ही वो बाद में जाके नॉन गिल्टी साबित हो, लेकिन आपने जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कर देते हो ना, तो वो चीज़ दिमाग में पब्लिक के बैठ जाती है भाई। ज़रूरी नहीं कि पहला वीडियो वायरल हो गया दूसरा भी हो जाएगा, फिर दूसरे पे कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है गिल्टी बना दिया उसको। तो यार क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा क्या टेक है इस पे? मेरा तो भाई बिल्कुल ही नहीं, मतलब कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाकी मेरे को लगा कि भाई आपने, मैं ऐसा कभी बोलता नहीं हूँ, ताकि अगर सोशल मीडिया में घुस ही रहे हैं तो अच्छे से, मुझे ये पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, क्या दिखाना चाहता हूँ। अभी तो शूट कर रहा हूँ, एडिटिंग के टाइम पे भी जो जाएगा वीडियो, मुझे पता है भाई मैं क्या बना रहा हूँ, क्या दिखाना चाहता हूँ, क्या लोगों तक पहुँच रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी तुम्हारे ऊपर ही है भाई। मौसम तो बड़ा सही हो रहा है, मतलब हवा तेज चल रही है, शायद क्या पता सुबह सुबह फिर से बारिश हो जाए, कल जैसी हुई थी, मतलब अभी वीडियो की स्टार्टिंग में देखी ना वैसी हो जाए तो मज़ा आ जाए यार, चार दिन बारिश हो तो थोड़ी ठंडक हो जाए, वरना अभी एक बार बारिश हुई उमस हो गई ऐसी गर्मी भाई, पसीना ऐसा टपकता है पूरे बॉडी में, ऐसे ऐसे घूम के नदियाँ बहा देता है, पता चलता है कि यहाँ से इधर जा रहा है पसीना, उधर से इधर जा रहा है।